चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पे यूएन ने इसको पास किया था और कल सारे विश्व में, पूरे भारत में और सिरसा शहर में, सिरसा में हमारे यहाँ पे भी और उपमंडल स्तर पे भी, ब्लॉक स्तर पे भी ये मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष में हमारी पूरी तैयारियाँ हैं, हमारी रिहर्सल भी पूरे जोरों शोरों से चल रही है। माननीय जो हमारे चंडीगढ़ से जिनकी ड्यूटी लगी है, जगदीश चोपड़ा जी, उनके साथ भी हमारा रबता कायम हो गया, उनको इन्वाइट कर लिया गया है। और आज उसी उपलक्ष में जो हमारी जिला स्तर पर मैराथन ऑर्गेनाइज करी गई है, उसमें हमारा जो रूट है लगभग 3 किलोमीटर का रूट है और ये सभी जिलावासियों को प्रेरणा देगा कि डेली, ये नहीं कि सिर्फ एक दिन ही योग करना है, डेली इसको अपने जीवन की कार्यशैली में अपनाएं। योग के कई फायदे हैं और सबसे बड़ा फायदा ये कि इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, जहाँ बैठे हैं वहीं आप कर सकते हैं। और स्वास्थ्य के लिए कितना लाभकारी है इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग जानते हैं और मैं सभी से अपेक्षा करता हूँ इसको अपने जीवन की कार्यशैली का हिस्सा बनाएं। डीडीपीओ साहब उसकी पैरवी किया जा रहा है। मैं सभी को संदेश देना चाहूंगा कि समय का सदुपयोग करें, पौधे आने वाले बहुत ही महत्व दिया जा रहा है, हमें ऑक्सीजन भी देते हैं और पर्यावरण को भी देते हैं और इतने लाभ बनाए जाए तो सभी से अनुरोध है अक्सर इस सीजन में अक्सर पौधे। शुभ अवसर पर माता की वंदे वंदे। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा आज के इस मैराथन को हरी झंडी देकर सभी योग मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी पहुंचे हैं, आप सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपने जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया गया और जिस तरीके से ऋषि साहब ने सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से ये सेहत से जुड़ा हुआ है और ये चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और खासकर इस डिस्ट्रिक्ट में पुलिस प्रशासन की तरफ से मैं अपील करना चाहूँगा आम जन से कि वो नशा से दूर हों और जिस तरीके से योग सेहत की तरफ वापस ले जाने का एक पद्धति है तो उससे जुड़ें और इसको एक दिन की चीज़ें ना बनाएं, इसको साल भर अपने से जोड़ें, इसको पूरे परिवार को इससे जोड़ के रखें और सेहतमंद रहें। धन्यवाद। शवासन थैलियां खुली आसमान की तरफ, पैरों के पंजे लुढ़के हुए, नॉर्मल हों, गहरा लंबा श्वास भरें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। अब थैलियां जिधर रखें, पंजे बाहर की तरफ, एडियां भीतर की तरफ खींची हुई और श्वास सामान्य कर लें, श्वास को सामान्य कर लें, खींच के रखें, गहरा लंबा श्वास छोड़ दें, नॉर्मल रखें अपने आप को, किसी प्रकार की तेजी नहीं, बहुत ज्यादा 90 डिग्री ऊपर सीधा रखें। अर्ध हल्लासन, जिनको सर्वांगासन, दोनों उंगलियों को उठाते हुए सीटीएम साहब, डॉक्टर गिरीश जी, उपायुक्त महोदय जो कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, उनको अधीक्षक श्री हमीद अख्तर जी को, सीटीएम साहब है डॉक्टर गिरीश चौधरी जी, सभी इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग योगा ऑलवेज यूनाइट, अधीक्षक भी हमारे बीच खड़े हैं, इंस्टेड ऑफ फर्दर, इंस्टेड ऑफ इंक्रीज सफरिंग, आप सबसे आग्रह है, देशवासियों से आग्रह है, विश्व के योगा प्रेमियों से आग्रह है। बिल्कुल सहम भाव से एक बार फिर श्वास आते हुए उसको देखे मध्य में
बिल्कुल हल्का था, दूसरी तरफ धीरे धीरे करने का प्रयास है। अब सीधे मध्य में या फिर मध्य में मध्य में फिर दाएं तरफ ले और नीचे ले आए। अब नॉर्मल हो जाए, यथास्थिति के अंदर आ जाए, गहरा लंबा श्वास भरें, गहरा गर्दन को मोड़ दें, मेरुदंड को मुड़ जाने दें, नाभि के ऊपर दबाव आने दें, आंखों को यथास्थिति के अंदर आ जाएंगे। अब इसके विपरीत दाएं हाथ को बाएं कंधे के मूल में मिलाएं, श्वास भरें और श्वास को छोड़ दें, कमर गर्दन को पूरा मोड़ जाने दें, नाभि। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे ज़िले में बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। मैं सभी जिलावासियों को चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी आज देहरादून में योग दिवस मना रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी झज्जर में मना रहे हैं, और जिला स्तर पर, उपमंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इसको मनाया जा रहा है। उसके लिए मैं सभी जिलावासियों से आग्रह भी करता हूँ कि योग को अपनी डेली दिनचर्या का हिस्सा बनाएँ। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं, और किसी भी आयु का व्यक्ति इसको कर सकता है। इसके लिए कोई आयु निर्धारित नहीं है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति कर सकता है। मैं पतंजलि योग समिति की तरफ से स्वामी रामदेव जी का, उनके पूरी टीम का यहाँ पर आने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से पूरा प्रोटोकॉल सिखाया है। माननीय SP साहब का, पूरी पुलिस की टीम का, पूरे सुरक्षा प्रबंध मेंटेन करने के लिए, हमारे जिला स्तर के सभी अधिकारियों का, क्योंकि रात को बारिश हो गई थी तो हमें सारा एक बार सेटअप चेंज करना पड़ा, उसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। सिरसा ज़िले के जितने लोग बच्चे यहां पे आए हैं योग करने के लिए हमारे साथ, उनका आभार व्यक्त करता हूं। सभी से आग्रह करता हूं योग को अपना डेली दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, इसको एक दिन की एक्टिविटी ना बनाएं, डेली इसको डेली करें इसको। और नशा करने वालों से स्पेशल आग्रह करना चाहूँगा, नशों से दूर रहें, योग से जुड़ें।